हेलो स्टूडेंट, मैं जयबंकर यूट्यूब चैनल यूटीपी स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे सेवन सिस्टर, यानी हम सेवन सिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेवन सिस्टर होता क्या है तो आपको बता दूं कि ये इंडिया के सेवन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सेवन सिस्टर, यानी ईस्ट आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पे इंडिया के एक मैप बना हुआ है, तो ईस्ट वाले पार्ट यानी ये वाला पार्ट जो है इधर सेवन स्टेट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेवन सिस्टर। याद रखना, हम कहानी के थ्रू पढ़ेंगे सेवन सिस्टर को, जो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में टोटल स्टेट कितने हैं, तो टोटल स्टेट 28, और यूटी कितनी है, यूटी है 8, यानी 28 स्टेट में से हम आज केवल 7 स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सेवन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी ईस्ट साइड में। तो आप कहानी ध्यान से सुनना, कहानी के थ्रू हम समझेंगे ताकि आपको सेवन स्टेट आसानी से याद हो जाए। तो मान लेते हैं कि एक अरुण नाम का एक लड़का रहता है। क्या नाम रहता है इसका? अरुण। और इसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है मेघा। क्या नाम होता है? मेघा। और ये अरुण जो होता है बहुत ही असम होता है, यानी बहुत ही सुंदर होता है। क्या होता है ये? असम यानी सुंदर होता है। इस मेघा के लिए अरुण कहाँ जाता है? एक पर्वत जाता है जिसका नाम होता है त्रिपुरा। कहाँ जाता है? त्रिपुरा के पहाड़ियों में। वो भी कैसे जाता है? मजे से जाता है। भाई लड़की का चक्कर है तो मजे से ही जाएगा। इसके बाद क्या होता है, क्या लेने जाता है पहाड़ों पे? मणि लेने जाता है। आप देखे होंगे क्या लेने जाता है, मणि, नाग मणि। अब मणि लेने गए तो भाई सिंपल सी बात है कि नाग तो जरूर होंगे, तभी वो नाग क्या करता है, डस देता है। यानी नाग क्या करता है, डस देता है। कहानी फिर से रिपीट करता हूं, इसे ध्यान से सुनना कि अरुण नाम का एक लड़का होता है, उसकी दोस्त होती है मेघा। उस मेघा के लिए ही क्या करता है, त्रिपुरा जाता है। लड़का भी बहुत सुंदर रहता है, यानी असम रहता है। त्रिपुरा जाता है, वो भी मजे मजे में जाता है। क्या लेने जाता है? मणि लेने जाता है। तभी वो सांप जो होता है, नाग जो होता है, उसे काट लेता है, यानी डस देता है। अब इस कहानी को अगर आपने समझ लिया है तो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जो पहला स्टेट है इस साइड में वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक। फिर दूसरा है आसाम। आसाम। इसके बाद है मेघालय। मेघालय, मेघालय, मेघालय के बाद फिर क्या है यहां पे, त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद फिर क्या, कैसे गया था मजे से, तो मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम के बाद है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। और फिर है नागालैंड। नागालैंड, यानी आप इस कहानी के थ्रू सेवन स्टेट आप आसानी से याद हो गए होंगे। एक बार मैं इसे रफ करके यहां सेवन स्टेट सीक्वेंस में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। तो
स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज हम 7 स्टेट के बारे में डिस्कस किए हैं, यानी 28 स्टेट में से 7 स्टेट हम पढ़ चुके हैं। बाकी जो स्टेट बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसे मैं रफ करता हूँ, अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप इसे दोबारा देख लेना, 100% श्योर है कि आपको समझ में आ जाएगा। हमने आपको बताया था कि पहला स्टेट क्या है, अरुणाचल प्रदेश। पहला स्टेट क्या है सेवन सिस्टर में, या लिख भी देता हूं, सेवन सिस्टर यानी सात बहनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मैंने बताया था अरुण नाम का लड़का रहता है, बहुत ही असम रहता है यानी सुंदर रहता है। तो आसाम, आसाम के बाद एक दोस्त होती है उसकी, क्या दोस्त का नाम क्या था, मेघा यानी मेघालय। इसके बाद हमने बताया था कहां गया था, त्रिपुरा गया था यानी त्रिपुरा। कैसे गया था, मजे में गया था यानी मिजोरम, मिजोरम। मिजोरम के बाद फिर क्या लेने गया था, मणि लेने गया था यानी 6 हो जाएगा मणिपुर। और 7 हो जाएगा फिर क्या काट गया था, नाग यानी नागालैंड। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।